हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज जा रहे हैं हम मैसूर मसाला डोसा बनाने। चलो दोस्तों, बनाते हैं डोसा। चलो, डाला आटा और इसको घुमाते हैं, पूरे तवे में डोसा घुमा देते हैं अच्छे से। चलो दोस्तों, अब इसमें लगाते हैं बटर। बटर मैसूर है, इसको लगाते हैं अच्छे से। बटर लगाते हैं मस्त। चलो थोड़ा कटिंग करके डाल देते हैं, थोड़ा बटर मैसूर है तो बटर में डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब इसमें डालते हैं ओनियन, प्याज और धनिया डालते हैं और हरा प्याज डालते हैं। चलो इसमें शिमला मिर्च डालते हैं थोड़ा, और थोड़ा टमाटर डालते हैं। चलो दोस्तों, अब इसमें डालते हैं नमक हल्का, और इसमें डालते हैं गरम मसाला और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाला। चलो दोस्तों, इसमें डालते हैं आलू। चलो इसमें सारा मसाला पड़ गया है, अब इसमें पेस्ट करते हैं। पूरा वेजिटेबल मिक्स कर देते हैं, आलू और वो करके सब पेस्ट करके मिक्स करते हैं। चलो दोस्तों, अच्छे से अच्छे से चलो मिक्स किया। इसको मिक्स करेंगे तो दोस्तों अच्छे से पकेगा, और अच्छे से पकेगा मसाला भी मिक्स हो जाएगा, जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाता है। चलो दोस्तों, अभी ये रेडी हो गया मसाला, ऊपर प्रेस कर दिया गया। अब इसको पलटा से पूरे डोसे में फैला देते हैं, इसको अच्छे से मिला के फैला दिया। चलो दोस्तों, अब इसको थोड़ा पकाते हैं। चलो चलो, अब ये पक गया है। चलो इसको तीन फोड़ में देते हैं। चलो दोस्तों, तीन भुज में दिया इसको, डोसे को तीन भुज में देते हैं। चलो चलो दोस्तों, अब इसमें रखते हैं चटनी और सांभर। दोस्तों लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।